डियर स्टूडेंट्स, विविध प्रश्नावली चल रही है। 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसके डिस्कस करते हैं सेट्स के। देखिए, यदि आपको प्रूव करना, यदि हमें यह सिद्ध करना हो कि कोई समुच्चय ए है वो बी का सबसेट है, यानी कोई सेट ए है वो बी का सबसेट है, ये अगर आपको प्रूव करना है तो आप क्या करोगे? हम लेके चलेंगे, माना कोई अवयव है x belongs to a, x belong करता है a को, मतलब a के सभी अवयवों को, कोई भी अवयव x की जगह रखा जा सकता है। फिर इसकी हेल्प से अगर हम प्रूव कर दें आगे कि x belong करता है b को भी, x a को belong करता है और x b को भी belong करता है, मतलब जो सारे x अवयव a में है वो सारे x अवयव b में भी है, तो इसका अर्थ इससे ये प्रूव हो जाता है कि ए सबसेट है, उपसमुच्चय है किसका? बी का। क्लियर? जो सारे अवयव एक्स ए में है वही सारे अवयव एक्स बी में भी है, तो मतलब यही तो उपसमुच्चय की डेफिनेशन होती है कि ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव अगर बी का भी एक अवयव हो तो समुच्चय ए बी का एक क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। अब यदि आपको दो समुच्चय, फर्स्ट फैक्ट तो ये है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव इस फैक्ट पर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, आपको क्या प्रूव करना है? क्वेश्चन पढ़िए, हमेशा जब भी आप स्टार्ट करें वीडियो, आपकी बुक जो है वो आपके ऑपोजिट ओपन होनी चाहिए। हमें दिया हुआ है ए जो है वो सबसेट है बी का, प्रूव करो कि सी माइनस बी जो है वो सबसेट है किसका? c माइनस ए का। a जो है वो b का उपसमुच्चय है, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? c माइनस बी उपसमुच्चय है किसका? c माइनस ए का। तो क्या करें? कोई अवयव x हम लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव हम लेके चलते हैं, माना कोई अवयव x जो है वो बिलोंग करता है किसको? c माइनस बी को, ठीक है। c माइनस बी का अर्थ क्या होगा? c में से b वाले सारे अवयव निकाल दो, c माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर, c और b का अंतर, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है c में से b वाले सारे अवयव निकाल दो, मतलब इस समुच्चय में b का एक भी अवयव नहीं है, c वाले अवयव है, ठीक है, बी वाले निकाल दो। तो इसका अर्थ, माना एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग करता है सी को और एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका अर्थ यही होगा, ये एक्स सी माइनस एक्स, एक्स कौन से अवयव है? सी माइनस बी के अवयव। सी माइनस बी के कौन से अवयव है? सी के तो है बट उसमें बी वाले नहीं है, तो इसको मैंने राइट कर दिया, x belongs to c और x does not belong to b, because आपको दिया हुआ है क्या? a is a subset of b, ठीक है, because हमें दिया हुआ है क्या? a b का उपसमुच्चय है। तब यदि x b को belong नहीं करता तो x a को कैसे करेगा? ये x अवयव है, ये b में नहीं है तो a में भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि a सबसेट है b का, a वाले सारे अवयव b में है, ए वाले सारे अवयव बी में है। कोई अवयव एक्स बी को बिलोंग नहीं करता तो ए को भी नहीं करेगा, बिकॉज ए वाले सारे अवयव बी में है, ठीक है। अतः एक्स बिलोंग्स टू सी और एक्स बी को बिलोंग नहीं करता तो एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसको? ए को भी, ठीक है। तब एक्स सी को तो बिलोंग करेगा बट बी को नहीं कर रहा तो ए को भी नहीं करेगा, ठीक है। इसी लाइन को मैंने दोबारा लिखा, एक्स सी को तो बिलोंग कर रहा है और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तब ए को भी नहीं करेगा क्योंकि ए वाले सारे अवयव बी में हैं, और एक्स अगर बी का अवयव नहीं है तो फिर ए का कैसे होगा क्योंकि ए वाले तो बी में शामिल है ही, ठीक है। तो इसका अर्थ एक्स सी को बिलोंग करता है ए को नहीं, इट मीन एक्स बिलोंग करता है किसको? सी माइनस ए को।
ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू सी, सी को तो करता है पर ए को नहीं करता, मतलब सी माइनस ए को करता है। इसका अर्थ भी तो यही होता है, एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए का अर्थ इस समुच्चय में सी वाले अवयव है, ए वाले नहीं, मतलब एक्स सी को बिलोंग करता है ए को नहीं, एक्स सी को बिलोंग करता है ए को नहीं, इट मीन एक्स बिलोंग करता है सी माइनस ए को। एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी, इससे आपने प्रूव कर दिया एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, ठीक है। अतः सी माइनस बी जो है वो क्या है, वो सबसेट है, उपसमुच्चय है, किसका, किसका उपसमुच्चय है, सी माइनस ए का, क्योंकि हम लेकर चले क्या एक्स सी माइनस बी को बिलोंग करता है, उसकी हेल्प से हमने प्रूव कर दिया कि एक्स सी माइनस ए को बिलोंग करता है, तो इसका अर्थ सी माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट है। पीछे मैंने आपको बताया था एक्स बिलोंग्स टू ए, इसकी हेल्प से अगर आप प्रूव कर दें एक्स बिलोंग्स टू बी, देन क्या होगा, ए सबसेट होगा किसका, बी का, ठीक है। तो ये वाला सबसेट प्रूव करना है इसका, तो हम लेकर चलते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी और उसके हेल्प से प्रूव कर देते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, तो इससे सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का, तो हमने ये प्रूव कर दिया। नाउ ये तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पावर सेट ऑफ ए बराबर है पावर सेट ऑफ बी के, सिद्ध करना है कि ए बराबर है बी के। अब पावर सेट घात समुच्चय क्या होता है, एक बार फिर आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं थोड़ा कि पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है। जैसे कोई समुच्चय है ए जिसमें अवयव है 1, 2, ठीक है, तब ए समुच्चय के जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे 1, 2, 1, 2, 5 जितने भी उपसमुच्चय मीन सबसेट बनेंगे, उन सभी सबसेट का एक सेट जो है वो दिए गए सेट का पावर सेट होगा, वो दिए गए सेट का क्या होगा, पावर सेट। इट मीन सेट ए के अवयव तो 1 और 2, बट पावर सेट के अवयव जो हैं वो सेट्स होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था घात समुच्चय के जो अवयव हैं वो समुच्चय होते हैं, ठीक है, घात समुच्चय के अवयव जो हैं वो समुच्चय होते हैं। घात समुच्चय में जैसे कोई समुच्चय है ए, तब हम लिख सकते हैं x belongs to A, लेकिन पावर सेट ऑफ A लिखें तो हम ये नहीं लिखेंगे x belongs to पावर सेट ऑफ A, x तो एक अवयव है लेकिन पावर सेट ऑफ A के जो अवयव होते हैं वो समुच्चय होते हैं, तो समुच्चय को या तो कैपिटल लेटर से दर्शाओगे, ठीक है, या ऐसे सेट साइन लगा के दर्शाओगे। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है क्या, पावर सेट ऑफ A बराबर है पावर सेट ऑफ बी, सिद्ध करो कि ए बराबर बी, पावर सेट ऑफ ए बराबर है पावर सेट ऑफ बी के, ठीक है, सिद्ध कर रहा है ए बराबर है बी के। कोई भी दो समुच्चय अगर आपको बराबर करने हो, कोई भी दो समुच्चय बराबर करने हो आपको, तो उसके लिए क्या करना होता है आपको बता रहा हूं, एक बार देखिए ध्यान से, यदि आपको सिद्ध करना हो ए बराबर बी, तब हम क्या करेंगे, एक अवयव एक्स लेकर चलेंगे जो बिलोंग करता है ए को, उसकी सहायता से हम प्रूव कर देंगे कि एक्स बिलोंग करता है बी को, तो इसका अर्थ ए सबसेट होगा बी का, ठीक है। एक्स जो अवयव ए को बिलोंग करता है वो अवयव बी को भी करता है, तो इसका अर्थ ए सबसेट है बी का, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने ये यूज किया था। अब हम लेकर चलें एक्स बिलोंग करता है बी को, उसकी हेल्प से हम प्रूव कर दें कि x बिलोंग करता है a को, तो इससे ये सिद्ध होता है कि b सबसेट है a का। यदि a सबसेट है b का, यदि कोई समुच्चय a सबसेट है b का तथा b सबसेट है a का, तब ये दोनों समुच्चय आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना हो तो आप प्रूव कर दो कि फर्स्ट वाला सेकंड का सबसेट है और सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट का सबसेट है, तो दोनों बराबर होंगे। अब सिद्ध करते हैं ए सबसेट है बी का, तो एक्स बिलोंग्स टू ए लेकर चलते हैं, प्रूव करते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इससे ए सबसेट होगा बी का। अब प्रूव करते हैं कि बी सबसेट है ए का, तो लेकर चलते हैं एक्स बिलोंग करता है बी को, इसकी हेल्प से प्रूव कर देते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए,
तो इसका मीन होगा कि बी सबसेट है ए का, यदि ए उपसमुच्चय बी का और बी उपसमुच्चय ए का, इट मीन दोनों समुच्चय बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हम यही लेकर चलेंगे, हमें प्रूव करना है ए बराबर बी। तो हम सिद्ध करेंगे कि ए सबसेट है बी का तथा बी सबसेट है ए का। तो ए सबसेट है बी का, ये प्रूव करने के लिए हम लेकर चलेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए और प्रूव कर देंगे, सिद्ध कर देंगे कि एक्स बिलोंग्स टू बी। बी सबसेट ए का प्रूव करने के लिए हम लेकर चलेंगे एक्स बिलोंग्स टू बी और उसकी हेल्प से प्रूव कर देंगे एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स ए को बिलोंग करता है वो बी को भी करता है तो ए सबसेट बी का, एक्स बी को बिलोंग करता है और वो ए को भी करता है तो बी सबसेट ए का। तो दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। ये करेंगे हम, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पावर सेट ऑफ ए बराबर है पावर सेट ऑफ बी के, पावर सेट ऑफ ए बराबर है किसके, पावर सेट ऑफ बी के। माना कोई वेरिएबल एलिमेंट, कोई चर अवयव एक्स बिलोंग करता है ए को, ठीक है, तब पावर सेट ऑफ ए को कौन बिलोंग करेगा, एक्स करेगा क्या, एक्स करेगा नहीं। देखो थोड़ा एग्जांपल से बताता हूं, ए 1 2 है, पावर सेट ऑफ ए क्या होंगे, इसके सबसेट 1 2 1 2 5। अब 1 जो है वो बिलोंग करता है ए को, लेकिन पावर सेट ऑफ ए को 1 बिलोंग नहीं करेगा, 1 का सेट जरूर करेगा। 2 अगर बिलोंग करता है ए को तो पावर सेट ऑफ ए को कौन बिलोंग करेगा, 2 नहीं करेगा, सेट 2, बिकॉज पावर सेट ऑफ ए के जो अवयव होते हैं वो समुच्चय होते हैं, उन्हें या तो कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है या स्मॉल लेटर यूज कर रहे हो तो उसके बाहर सेट लगा दो। ठीक है, अगर x belongs to a लिखा जा सकता है, लेकिन x belongs to power set of a नहीं लिखोगे, यहां आप ये लिख सकते हो set x belongs to power set of a, क्योंकि power set of a घात समुच्चय के अवयव समुच्चय होते हैं। या ऐसे लिख सकते हो capital x belongs to power set of a, तब यहां capital x क्या हो जाएगा, ये इस x का क्या होगा, सेट होगा, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब यदि x बिलोंग करता है a को तो पावर सेट ऑफ a को x नहीं करेगा क्या, x का सेट बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a को, बिकॉज पावर सेट ऑफ a बराबर है किसके, पावर सेट ऑफ b के। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है आपका, पावर सेट ऑफ a, तब सेट x बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b को भी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अगर सेट एक्स पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग करता है तो देखिए, सेट एक्स पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करता है, इट मीन एक्स बिलोंग करता है ए को, सेट एक्स पावर सेट ऑफ बी को बिलोंग करता है तो इट मीन एक्स बिलोंग करेगा किसको, बी को। ये समुच्चय एक्स का समुच्चय पावर सेट ऑफ बी का एक अवयव है, तो एक्स जो है वो फिर वो बी का एक अवयव होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने अभी अभी आपको ये एग्जाम्पल में शो किया था कि कोई भी अवयव इनके सबसेट बनाए। ठीक है, अब देखो अगर सेट 1 बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए को तो 1 बिलोंग करेगा, 1 फिर किस में है, 1 बिलोंग करेगा ए को, इसके अंदर वाला अवयव वो समुच्चय का अवयव है। हम लेकर चले क्या, x बिलोंग करता है ए को, लेकिन आपने प्रूव किया इसकी हेल्प से कि x बिलोंग करता है बी को। ठीक है, दिस इंप्लाइज बिकॉज x बिलोंग करता है a को, इसकी हेल्प से आपने प्रूव किया कि x बिलोंग करता है b को, तब a जो है वो उपसमुच्चय होगा किसका, b का। अब एक आपने सिद्ध कर दिया a उपसमुच्चय है b का, अब हम सिद्ध करते हैं कि b उपसमुच्चय है a का, वो कैसे करें, पलट देते हैं बिल्कुल ही। माना एक अवयव x बिलोंग करता है किसको, b को, तब सेट एक्स बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी को, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी क्या है, दोनों बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, तब सेट एक्स
बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए को, सेट एक्स पावर सेट ऑफ ए को बिलोंग करता है, ठीक है। तब एक्स किसको बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग करेगा किसको, ए को। सेट एक्स घात समुच्चय का अवयव है, तो इसके अंदर वाला एक्स ए का अवयव होगा, ठीक है। एक्स, ठीक है, आपने क्या प्रूव किया, बिकॉज एक्स बिलोंग टू बी, दिस इंप्लाइज इसके हेल्प से आपने प्रूव किया एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तब बी सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि ए सबसेट है बी का, फुल डिटेल से शो कर रहा हूं, तथा बी सबसेट है किसका, ए का, दिस इंप्लाइज ए बराबर किसके होगा, बी के, दिस इंप्लाइज ए बराबर है बी। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6।